जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम कन्या राशि वाले लोगों के जनवरी महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कन्या राशि वाले लोगों के जनवरी महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही की राशि है। के पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और उनका गोचर दो राशियों में रहेगा जनवरी के महीने में। 7 जनवरी तक वो वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में रहेंगे और उसके बाद चौथे भाव में 7 जनवरी से धनु में जाएंगे। पंचम भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि है और शनि का गोचर कुंभ राशि में स्वराशि के होकर छठे भाव में पूरे महीने रहेंगे। केतु आपके प्रथम भाव यानी कन्या राशि में ही रहेंगे, राहु आपके सप्तम भाव में यानी मीन राशि में रहेंगे और नवम भाव के स्वामी शुक्र हैं, भाग्य भाव के स्वामी। उनका गोचर भी वृश्चिक और धनु राशि में रहेगा। 18 जनवरी को धनु में जाएंगे, इससे पहले वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में अगर आप अपने साथी पर शंकाएं नहीं करते हैं, गलत फहमियां नहीं करते हैं, अपने साथी पर भरोसा रखते हैं, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे और बहस से बिल्कुल बचना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा, वरना बातें छोटी छोटी बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी का गोचर भी अष्टम भाव में मेष राशि में रहेगा। रोमांस ज़्यादा रहेगा। अगर नए प्रेम संबंध है, अच्छा महीना पूरा जाएगा। अगर पुराने प्रेम संबंध है, मुलाकातें हो सकती हैं, रोमांस हो सकता है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी हो सकते हैं और वाद विवाद भी हो सकते हैं, मनमुटाव भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। तो अपने अहम और क्रोध पर भी नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और 15 जनवरी से 31 जनवरी तक आपके जो 12वें भाव के स्वामी सूर्य हैं, उनका गोचर भी मकर राशि में होगा। आपके अंदर अहम की भावना ज़्यादा रह सकती है और जो मंगल हैं, जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी, उनका भी चौथे भाव में गोचर होगा। थोड़ा सा आप में अहम और क्रोध की भावना तो पूरे महीने बनी ही रहेगी, उस पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा और शंकाओं से बचना होगा, तभी प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं, किसी से कोई मित्रता चल रही है उसको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मित्रता का प्रस्ताव देना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, जनवरी के महीने में प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता भी मिल सकती है। लेकिन 15 जनवरी से पहले का जो समय है वो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देगा। अगर कोई वाद विवाद चल रहे हैं, आसानी से जनवरी के महीने में समाप्त नहीं हो पाएंगे। ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, तभी आपके वाद विवाद समाप्त हो पाएंगे। और जो भी आपके वाद विवाद हुए हैं, उनको सच्चाई के साथ अपने साथी को बोलना होगा। यानी अगर आपने कोई झूठ बोला है, इस कारण वाद विवाद हुआ है, तो अपने साथी को समझाना होगा और सॉरी भी बोलना होगा, तभी वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। और अगर प्रेम संबंध पहले से हैं, उनको विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, जनवरी के महीने में बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले हैं, तो प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा सा अपने साथी के साथ आपको तालमेल अवश्य बनाना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और अगर आपके साथी की राशि कन्या राशि है, मकर राशि है या वृषभ राशि है, तो परिणाम अच्छे देखने को मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में अगर देखें तो सप्तमेश अष्टम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव में राहु रहेंगे, तो आपको छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना है, वरना वो बातें ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं, यहाँ तक कि आपके संबंध ज्यादा भी खराब हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में भी किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचें जनवरी के महीने में, वरना वो वाद विवाद का रूप ले लेंगी। आपके जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद हो सकता है। अपने जीवन साथी के सामने भी ससुराल पक्ष के बारे में कोई ऐसी बातें ना करें जो आपके जीवन साथी को अच्छी ना लगें, और ससुराल पक्ष के लोगों से भी बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। जीवन साथी के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद है, तो बहुत ही धैर्य और संयम के साथ प्रयास करना होगा, वरना इस महीने अगर टाल दें तो अच्छा है। इस महीने आपके मतभेद अगर ज्यादा हैं तो आसानी से समाप्त नहीं हो पाएंगे, छोटे मोटे मतभेद समाप्त किए जा सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए भी बहुत अच्छा महीना नहीं जाने वाला है, तो कुल मिलाकर मिले जुले से परिणाम देखने को मिलेंगे। सामान्य से ज्यादा परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं जनवरी के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में। उपाय की बात करें, बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और शनिवार के दिन गाय को आटे की लोई खिलाएं, ये दोनों दिन गाय की ही सेवा करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कन्या राशि वाले लोगों के जनवरी महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये कन्या राशि वाले लोगों का जनवरी महीने का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।